बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर और मारूफ अदाकारा हुमा कुरैशी ने अपनी पहली फिल्म गैंग्स ऑफ वसेपुर में मिलने वाले मुआवजे की रकम का इंकशाफ किया है। हाल ही में अपने दिए गए एक इंटरव्यू में अदाकारा हुमा कुरैशी ने बताया कि उन्होंने मुतादिद बड़े अदाकारों के साथ वाराणसी में फिल्म की शूटिंग में हिस्सा लिया। उस वक्त तक उन्हें यह इल्म नहीं था कि फिल्म में उनका किरदार कितना अहम है। अदाकारा ने इंकशाफ किया कि उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि वो फिल्म में मरकजी किरदार में दिखाई देंगी। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी फिल्म का मुआवजा सिर्फ और सिर्फ 75,000 भारतीय रुपए अदा किया गया, जिस वजह से काफ़ी अरसे तक उनमें एतमाद की कमी रही। हुमा कुरैशी ने कहा कि जब फिल्म आई और उन्होंने अपना किरदार मरकजी देखा, तब उन्होंने सोचा क्या उन्हें अपना मुआवजा ज़्यादा लेना चाहिए था। उन्होंने कहा कि जिन प्रोड्यूसर्स ने गैंग ऑफ वसेपुर बनाई, हुमा कुरैशी का कहना था कि जिन प्रोड्यूसर्स ने गैंग ऑफ वसेपुर बनाई, अब वही उनकी नई फिल्म के प्रोड्यूसर्स भी हैं।